Hello, my name is Dr. Ina Ghadole. I am a physiotherapist. I am pursuing my master's in cardiovascular and respiratory sciences, breathing exercises. These exercises are really important in day-to-day life as well as if you have recently recovered from COVID as well. Every exercise is not recommended for every patient. There are some specialized programs and specialized techniques which we use, and I recommend you to consult your physiotherapist for how to go and perform the exercises and which exercises are recommended for you. ब्रीदिंग कंट्रोल, इसमें आपको एक हाथ आपकी छाती पे रखना है, एक हाथ आपके पेट पे रखना है। नाक से लंबी गहरी सांस लेना है, छाती और पेट दोनों फुलाना है और फिर नाक से ही छोड़ना है, छाती और पेट दोनों अंदर चला जाएगा। ये हमको 15 बार करना है। दोनों हाथ नीचे, नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से जैसे आप चाय को फूंक मारते हैं वैसे फूंक मार के छोड़ेंगे। ये हमको 15 बार करना है। आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेना है और एक फूंक में जितनी ज्यादा कैंडल्स आप बुझा सकते हैं उतनी बुझाना है। इसका फायदा ये है कि आपकी श्वास नलिका में जितना भी कफ है वो बाहर आने में मदद होती है। ये हम 10 बार करेंगे सर। फिर आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को अंदर रोक के रखना है जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर, और फिर मुंह से छोड़ना है। इसका फायदा ये है कि अंदर का जितना भी कफ अंदर अंदर छुपा है वो ऊपर आने में मदद होती है। बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज करना है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी जो हमने कफ को ऊपर तक लेके आ गए थे, अब उसको बाहर निकालने में मदद होगी। तो आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और एक ब्लो में पूरा बलून फुलाने की कोशिश करना है। ये एक्सरसाइज हम 5 बार करेंगे। दोनों हाथों को आपको ऊपर लेके जाते वक्त नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और नीचे लेके आते वक्त आपको मुंह से फूंक मार के छोड़ना है। ये हमको 15 बार करना है। इसको हम थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक बेल्ट लगाएंगे छाती के 3 लेवल्स पे, सबसे नीचे, फिर बीच में और सबसे ऊपर। आपको इस बेल्ट को खींचना है
फिर नाक से लंबी गहरी सांस लेना है, अंदर रोक के रखना है 30 सेकंड्स तक, और जब आप मुंह से छोड़ेंगे तो आपको बेल्ट को ढीला कर देना है। हर लेवल पे हम 5-5 बार करेंगे सर इसको। ये आपको छाती के लेवल पे पकड़ना है, इसका माउथ पीस आपको मुंह में रखना है, और मुंह से आपको जैसे आप स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं वैसे आपको इस पाइप से हवा अंदर खींचनी है। नमस्कार। कोविड होने के बाद, उसको पूरी तरह से तंदुरुस्त होने के बाद, मैं पिछले अनेक दिनों से ये एक्सरसाइज नियमित रूप से कर रहा हूं। इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। शरीर के अंदर जो कफ था वो लगभग निकल जाता है, और मेरी श्वास लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ी है। मुझे पहले जो थकावट आती थी, दम लगता था, वो भी लगभग नहीं के बराबर है, और काफी मुझे अच्छा लगता है। इसका फायदा हुआ, डॉक्टर अनिला घरोले ये मुझे पिछले अनेक दिनों से ये सिखा रही है, उसने इस पे बहुत अच्छा काम किया है और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। आप भी इसका उपयोग करके देखिए, इससे कोविड से भी मुक्ति मिलेगी, इन्फेक्शन भी निकल जाएगा, और श्वास लेने में आपको बहुत अच्छी तरह से एक रिलीफ मिलेगा, और आपका दम भी लगना बंद हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और जरूर इसका उपयोग करिए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है, शुभेच्छाएं भी है, और इसका जरूर उपयोग करिए और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पैरों को सूजन आती थी, रशिया से एक डॉक्टर आई थी, उसने मुझे ये प्रयोग सिखाया कि तब से मैं ये जो ओढ़नी है ये अलग अलग एंगल से पैर को इस प्रकार से जैसे हम दही का छाछ करते हैं उसी प्रकार से घुमाते हैं, और उसका भी फायदा मेरे पैरों के ऊपर की सूजन लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। इसका भी बहुत अच्छा फायदा है। अगर पैरों की सूजन कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर की गोली शायद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मेरा भी ब्लड प्रेशर अब एकदम ठीक होने लगा और इसका फायदा हुआ है। आप जरूर करके देखिए, इसमें निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को आराम पड़ेगा। नमस्कार।